बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, सुपीरियर कॉलेज पतौकी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 का आज हम लास्ट टॉपिक जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हु द यूज़ ऑफ इंटरनेट अफेक्टिंग सोसाइटी, कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट का इस्तेमाल है ये सोसाइटी पे इसका क्या असर है, कैसे इफ़ेक्ट करता है सोसाइटी को। और एक छोटा सा टॉपिक और है, राइट अ नोट ऑन न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ ग्रुप के ऊपर नोट लिखना है। तो आइए चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ, इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, कि इंटरनेट जो है इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। द इंटरनेट इज़ ग्रेटली इफ़ेक्टिंग आवर सोसाइटी, इंटरनेट ने हमारी जो सोसाइटी है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, इसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। दीज इफ़ेक्ट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो असरात हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी, ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं इंटरनेट के सोसाइटी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी आर एज फॉलोज। इसमें सबसे पहले नंबर पे है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मुराद ये है कि पूरी दुनिया को एक आलमगीर गांव की तरह, एक विलेज की तरह इसने बना के रख दिया है, इसने ग्लोबलाइज कर दिया। इंटरनेट हैज़ कन्वर्टेड हिज वर्ल्ड इन टू अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेट ने इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरह कन्वर्ट करके रख दिया है। पीपल आर कनेक्टेड विद वन अनदर यूजिंग द इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। यूज़र जो हैं या लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ रबते में होते हैं। इट हैज़ प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंट्रैक्शन, इसकी वजह से लोगों के जो ताल्लुकात हैं उनमें ज़्यादा चांस हैं कि उनके अंदर इंट्रैक्शन होती है। इट आल्सो इनेबल पीपल टू अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ वन अनदर, इसकी वजह से लोग एक दूसरे के व्यूज़ को, आइडियाज़ को, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का तबादला होता है, इंफॉर्मेशन बहुत से टॉपिक्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। इंटरनेट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, इसमें तमाम किस्म के टॉपिक्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। पीपल कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, लोग किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन्स आर यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन्स मौजूद हैं। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज़ इनेबल पीपल टू इंफॉर्म, कि आप आसानी से जो है अपनी मर्जी की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर जब व्यूज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंटरनेट इज़ एन ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का ये एक आसान सा तरीका है। दे कैन एक्सचेंज देयर व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। इट हैज़ क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। पीपल कैन अंडरस्टैंड द व्यूज़ एंड थिंकिंग ऑफ वन अनदर, लोग अपनी सोच को, अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प इन क्रिएटिंग हार्मनी एंड पेस इन द वर्ल्ड, इसकी वजह से दुनिया में एक सुकून और आराम जो है, अमन है, वो पैदा होता है। नेक्स्ट जो है कंफर्ट इन लाइफ, लाइफ में इसने सुकून पैदा कर दिया, लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया। लोग घर बैठ के चीज़ें सेल कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता। मैसेज सेंड करना है तो आप इंटरनेट के ज़रिए भेज सकते हैं। मीन कि इसने बहुत सी जो है चीज़ों में लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड किया, आराम प्रोवाइड किया।
द यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड मैनी कम्फर्ट फॉर सोसाइटी, इसने सोसाइटी के लिए बड़ा सुकून पैदा किया है। पीपल कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इजी, लोग अपनी ड्यूटीज़ आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। दे कैन सेल एंड बाय गुड्स ऑनलाइन, लोग चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दे कैन रन देयर बिजनेस यूजिंग इंटरनेट, लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज, इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई। पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स, लोग वेबसाइट्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। दे कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। स्कॉलर्स एंड लर्न्ड पर्सन्स टू गेट नॉलेज, और पढ़े लिखे लोगों से या स्कॉलर्स जो हैं उनके साथ आप नॉलेज के लिए इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आजकल आप लोगों को पता है पेंडेमिक 19, COVID-19 जो है, इसकी वजह से कॉलेजेस बंद हैं, तो आप लोग घर बैठ के जो तालीम और वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो रहा है कि आप लोगों तक मैसेज जो है वो वीडियोस लेक्चर्स की सूरत में डिलीवर हो रहे हैं, और आप घर बैठ के, आपको कॉलेज नहीं आना पड़ता, आपको किसी किस्म का मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर बैठ के आप जो है आराम से सुकून से इंटरनेट को यूज़ करते हुए वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड करते हैं, और उससे आप अपनी जो स्टडी है या एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। सम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी आर एज फॉलोस, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि सोशल कट ऑफ, सोशल कट ऑफ से मुराद है आपका जो माशरे के साथ जो इंट्रैक्शन है जो रेगुलर, वो कम हो गया। आप घर में बैठ के मोबाइल पे इंटरनेट के ज़रिए जो है काम करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ जो सोशल ताल्लुक़ थे वो आपका मेल मिलाप जो है वो कम हो गया। मे पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट, लोग जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इट इफ़ेक्ट्स द सोशल इंट्रैक्शन विद द पीपल, इसकी वजह से लोगों का जो सोशल इंट्रैक्शन है वो कम हुआ है। इसके बाद है इमोरेलिटी, इमोरेलिटी का मतलब है बद अखलाकी। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि मॉरल वैल्यू ऑफ इस्लाम या मॉरल वैल्यू ऑफ अ मुस्लिम उसके अगेंस्ट है, तो इंटरनेट के ज़रिए फाहिशी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसा कि यूट्यूब है, इसके ऊपर ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऐसा मटेरियल है कि जो हमारी मॉरल वैल्यू को, जो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ जो है हम इंसान हैं, तो वो हमारी जो मॉरल वैल्यू है उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से यंग जनरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इंटरनेट कंटेन मैनी इमोरल वेबसाइट्स, इसके ऊपर बहुत सी इमोरल वेबसाइट्स हैं। द वेबसाइट्स कंटेन सच मटीरियल, उन वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा मटीरियल पड़ा हुआ है दैट इज़ अगेंस्ट द मॉरल वैल्यू ऑफ सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी के लोगों की या सोसाइटी की मॉरल वैल्यू के ख़िलाफ़ है। दिस वेबसाइट डैमेज द करेक्टर ऑफ यंग पीपल, इसकी वजह से जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, उनका करेक्टर जो है वो डाउन हो रहा है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का बहुत ज़्यादा ज़्याया होता है, बहुत से लोग जो हैं सारा दिन बैठे बैठे इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को टाइम इतना ज़्यादा नहीं देते। मैनी पीपल यूज़ इंटरनेट विदाउट एनी पॉजिटिव पर्पस, बहुत से लोग किसी ख़ास काम या पॉजिटिव जो काम है उसके बजाय बिला वजह यूज़ करते रहते हैं। द यंग पीपल वेस्ट देयर टाइम इन चैटिंग, जो यंग पीपल हैं वो चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इफ़ इट इफ़ेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, इसकी वजह से लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, एंड मेक देम इनइफेक्शेंट, और इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूज़ ग्रुप,